ये कहना बिल्कुल सही होगा कि पुलेला गोपीचंद भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन बैडमिंटन कोचेस में से हैं। लगातार दो ओलंपिक्स और भारत के पास बैडमिंटन का मेडल है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं गोपीचंद। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं बोलते हैं, लेकिन आज इनको बोलना पड़ेगा क्योंकि पीवी सिंधु ने एक सिल्वर मेडल कम से कम भारत को, लेकिन यही उम्मीद कि वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। गोपी, आपके लिए पर्सनल तौर पर ये मेडल कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपने ये कहा कि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरीके से भारत की शुरुआत हो रही थी इस ओलंपिक्स में भी और खास पर बैडमिंटन में भी, आपको आपके लिए ये मेडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई थिंक काफ़ी सबके लिए इम्पोर्टेंट था। बस हम ऐसे मकाम पे है कि हम लोग मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो हम लोग आई थिंक इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड वेरी हैप्पी विद द मेडल। जब हम सब लोग वहाँ पर अरेना में अपनी कुर्सियाँ छोड़कर उछल रहे थे, तो आप वहीं पर उस कुर्सी पर आपने अपने चेहरे को हाथों से ढका और यू वर रिलीव। वो रिलीफ था या वो जॉय था, क्या था वो एक्सप्रेशन? इट वाज जस्ट ग्रेटिट्यूड, थैंक्स टू गॉड दैट ही हैज केप्ट मी इन दिस पोजीशन, और बस उतना था। अच्छा, जितना ही हक सिंधु को है ये मेडल अपने गले में टांगने का, उतना ही हक आपको भी है, क्योंकि सिंधु ने हर गेम में अपने आप को एक अलग तरीके से कोर्ट में आई हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हुए हैं और स्ट्रैटेजीज के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। कुछ बताएंगे कि किस तरीके की स्ट्रैटेजीज आप ओपोनेंट को देख के, उनकी वीकनेस को देख के स्ट्रैटेजीज होती हैं, या सिंधु के स्ट्रेंथ्स को लेकर स्ट्रैटेजीज? आई थिंक दोनों तरीके से है। जैसे आज उसका ओपोनेंट बैक ऑफ द कोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसके हिसाब से और जिस कंडीशंस है उसके हिसाब से भी थोड़ा सा चेंज रहेगा, और अगर हमारे ओपोनेंट प्रेशर में है तो थोड़ा सा अटैक ज़्यादा करने के लिए। सो ओवरऑल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, बट जो मोमेंट है उस मोमेंट में फोकस करके उस टाइम पे जो सही लगता है वो करने की बात है। अच्छा, सिंधु के फादर से जब बात हो रही थी बैक होम वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि उनके कोच ने सब ओलंपिक से काफ़ी पहले आके बोला कि एक शाउट एंड प्ले वाला जो है वो बहुत ज़रूरी है सिंधु के लिए, और उसका काफ़ी ज़्यादा नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिला। क्यों आपको लगा कि शाउट एंड प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होगा सिंधु के लिए? आई थिंक एग्रेशन, आई थिंक इतने बड़े स्टेज पे आई थिंक मोमेंटम, एग्रेशन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिस तरह के सिंधु का फिजिकल एबिलिटी है उसमें जाहिर है कि अगर वो एग्रेसिव रहेगी तो और उसको पावर में और दुगनी ताकत आएगी। सो आई जस्ट फेल्ट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गुड टू शो द सी दैट शी इज़ फाइटिंग रियली हार्ड। बट ये एग्रेशन सिंधु के लिए है या ये ओपोनेंट पे भी आपको लगता है कि ज़्यादा काम करता है? दोनों तरीके से होता है, अपने आप को पेपअप करने के लिए और ओपोनेंट को थोड़ा सा डाउन होगी। कहा जाता है कि सारे गेम्स में सिंधु ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया, कितना इंपॉर्टेंट है सिंधु को डोमिनेट करना, कि क्या वो इतना भी ज़रूरी है क्योंकि डोमिनेट करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कमबैक शायद और मुश्किल हो? आई थिंक ओलंपिक्स है, प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा हम पीछे रह जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो बट ओवरऑल आई थिंक शी इज़ प्लेड टू अ प्लान, शी इज़ नॉट एग्रेसिव, ओवरली एग्रेसिव, जितना ज़रूरी है उतना किया और इंटेलिजेंटली उसने गेम प्लान अपना चेंज किया। सिंधु ने अपने से सभी ओपोनेंट्स को ऊपर से हराया है, ये बिलीफ द फैक्ट कि इतने सभी ऊपर को हराना है, द फैक्ट कि वो बहुत अच्छे खेल रही है, बहुत अपने गेम के टॉप पे है, वो बिलीफ एक फाइनल में जाते हुए कितना ज़रूरी होता है? आई थिंक दोनों प्लेयर्स का अच्छा रिकॉर्ड रहा है इस टूर्नामेंट में, और डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर वॉन्टिंग टू विन, बोथ ऑफ देर इन गुड शेप, देखते हैं कैसे चलेगा, बट आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट ग्रेट टूर्नामेंट एंड बोथ अ ग्रेट एथलीट्स एंड होपफुली विल हैव अ गुड फाइट एंड सिंधु विनिंग। वैसे गोपीचंद अभी तक पूरी तरीके से स्माइल नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी कोशिश यही करेंगे कि फाइनल में जब पीवी सिंधु गोल्ड जीतें तो हमें पूरी उम्मीद है कि गोपीचंद खुल के हंसेंगे और खुल के सेलिब्रेट करेंगे। कैमरामैन प्रसील कुमार के साथ GS विवेक।